और अब तो पाकिस्तान में बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से भी बाज जगह ऐलान किया गया है कि ईद के 3 दिन कोई अहमदी किसी जानवर को ज़िबा नहीं कर सकता, चाहे कुर्बानी के लिए हो या किसी भी मकसद के लिए हो, क्योंकि इस तरह इस्लामी शायर की बेहरमती होती है। नऊज़ु बिल्लाह, कुर्बानी अगर अहमदी करते हैं तो ये कुर्बानी सिर्फ इन नाम निहाद मुसलमान उलमा का हक है, सिर्फ उन लोगों का हक है जिन पर ये उलमा मुसलमान होने की मोहर सब्त करें। आपकी तालीम, आप पर उतरी हुई किताब की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला आखिरी ज़माने में भी एक ऐसा इंसान पैदा करेगा जो दीन को सुरैया से ज़मीन पर वापस लाएगा, और कुरान करीम की हुकूमत, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत और खुदा ताला की हुकूमत को दुनिया में कायम करेगा। खुदा ताला के शरीक बनाने वालों के मुंह भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीम की रोशनी में दलाइल और ब्राहिम से बंद करेगा, और खुदा ताला के वजूद के मुनकरीन के मुंह भी दलाइल और ब्राहिम से बंद करेगा। और अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक तकमील इशात दीन और इस्लाम की बरतरी तमाम अदियान पर साबित करने के लिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक और आशिक सादिक को मबूस फरमाया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही गुलाम सादिक है जिसने ऐलान किया कि मैं वही मसीह माऊद और महदी माऊद हूँ जिसके आने की पेशगोई आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। यही वो अल्लाह ताला का पहलवान है जिसने ना सिर्फ इस्लाम की खूबसूरत तालीम पेश करके इस्लाम का हुसन लोगों को बताया, बल्कि हर मुखालिफ को चैलेंज दिया कि कोई और दीन और मज़हब नहीं है जो इस्लाम जैसी खूबसूरत तालीम पेश कर सके, अगर है तो मुकाबले पर लाओ, फिर देखो किस तरह ब्राहीन और दलाइल और खुदा ताला की ख़ास तईदाद के साथ मैं उसको रद्द करके दिखाऊंगा, उसे हजीमत उठानी पड़ेगी। साथ ही मुसलमानों को भी तलकीन फरमाई कि यह जंग व जदल का नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से इस्लाम की तालीम को फैलाने का ज़माना है, ये अमन व सलामती और रोशन दलाइल के साथ इस्लाम की तमाम अदियान पर बरतरी साबित करने का ज़माना है। ये ऐलान किया कि यही ज़माना इस्लाम के ज़ोफ़ का ज़माना था जिसमें अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक उस मर्द मैदान ने दुनिया में आना था जिसने इस्लाम की तालीम की अहया नौ करनी थी। फरमाया कि अगर मैं ना आता तो कोई और आता, लेकिन ये बात यकीनी है कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले का यही वक्त था। बस मुसलमानों को फरमाया कि तुम खुश हो कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की नशत सानिया के लिए उस शख्स को ऐन वक्त पर भेज दिया, और बजाय इस जरीउल्ला की मुखालफत करने के उसके साथ जुड़कर इस्लाम की तालीम को दुनिया में फैलाओ। ये आपने मुसलमानों का अपनी खुद साख्ता रसूमात और बिदात को ख़त्म करो और उस तालीम पर अमल करो जो इस्लाम की हकीकी और असल तालीम है, कि यही रास्ता मुसलमानों के लिए भी राह निजात है और यही रास्ता दुनिया के हर शख्स की बका की ज़मानत है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मुसलमान इनकी अक्सरियत बजाय इसके कि अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए अल्लाह ताला के उस फरिश्तादे के साथ जुड़कर इस्लाम की तालीम को दुनिया के तूल अर्ज़ में फैलाने के लिए आगे बढ़ते, अल्लाह ताला के इस भेजे हुए
और फरिश्तादे की मुखालफत में कमर बस्ता है। और बजाय इसके कि अपने आबा की कुर्बानियों को सामने रखते हुए इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाले हाथों को रोकने की कोशिश करते और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले बनते, मुसलमान ना सिर्फ आपस में एक दूसरे के खून पर तुले हुए हैं, बल्कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी में दुनिया में अमन और सलामती को कायम करने आया है, उसकी इस हद तक मुखालफत में बढ़े हुए हैं कि गुज़श्ता 125 साल से ज़्यादा अरसा से इसके मानने वालों के कत्ल के फतवे दे रहे हैं, उस पर कुफर के फतवे लगा रहे हैं, मानने वालों को कत्ल कर रहे हैं, इनकी जायदादें लूट रहे हैं, इन पर मौशी तंगियां वारद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला फजल फरमाता है, एक जगह से रोकते हैं दूसरी जगह से अल्लाह ताला नवाजता चला जाता है। इनके बच्चों को स्कूलों और गलियों में तंग किया जा रहा है, उन्हें खौफ और रास पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हत्ता के मुर्दों की कब्रें उखेड़ कर उनकी बेहरमती की जा रही है। ये कौन सा इस्लाम है जो ये लोग दुनिया में फैलाना चाहते हैं? इस्लाम तो अमन और सलामती का मज़हब है, इस्लाम तो मोहब्बत और प्यार का मज़हब है। आज की ईद जिनकी वजह से मनाई जा रही है, वो तो अपनी आज़ादी, अपनी इज़्ज़त, अपनी जान खुदा ताला के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हुए थे। उन्होंने जिस शहर की ख्वाहिश की थी या ये दुआ की थी कि यहाँ शहर बन जाए, तो ये दुआ की थी कि रब्बी जल हाजा वलदन आमिन, कि ऐ मेरे रब इस जगह को एक पुरअमन शहर बना दे, ताकि जो यहाँ रहने वाले हों, जो यहाँ आने वाले हों, अमन और सलामती से रहने वाले और अमन और सलामती के फैलाने का ख्याल रखने वाले हों। बस क्या ये दुआ मुसलमानों से तकाजा नहीं करती कि अगर इस शहर की तरफ मंसूब होते हैं, अगर रब काबा की इबादत करते हैं, अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और खाना काबा के क़याम के मकसद को पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर अपने दिलों में भी अमन व सलामती और प्यार और मोहब्बत के शहर बसाएं। एक दूसरे की गर्दनें काटने के बजाय रहमाओ बैनहुम के नमूने पेश करें। दुनिया की सलामती और अमन, दुनिया को सलामती और अमन का पैगाम दें। ज़माने के इमाम मसीह माऊद और महदी माऊद, जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक आया, उस पर कुफर के फतवे लगाने और उसके मानने वालों पर ज़ुल्म तअद्दी करने के बजाय आज के दिन की ईद को अमन व सलामती के पैगाम से और मसीह माऊद की बैत में आकर हकीकी ईद बनाएं। अगर ये सोच पैदा नहीं करेंगे तो लाख ईदें मनाएं, वो इस्लाम की तालीम के मुताबिक मनाने वाली ईदें नहीं हैं। जितने चाहे हज कर लें, वो अल्लाह ताला की तालीम के मुखालिफ चलने वालों के हज हैं। सोचें और गौर करें, जिस तरह वाकयात में, पुराने वाकयात में पहलों के हज उनके जुल्म व ज़्यादती की वजह से अल्लाह ताला के हुजूर मकबूल ना होने के रवायात मिलती हैं, कहीं हमारी बातों और हज के मनासिक बावजूद सब कोशिशों के सिर्फ़ इस जुल्म व ज़्यादती की वजह से जो आजकल मुसलमान कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हुजूर मकबूल होने से रह तो नहीं जाएंगी? सोचें, गौर करें।
कहीं कलमा पढ़ने वाले और अपने आप को खुदाए वाहिद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले को हज और दूसरी इबादात से रोकना उन्हें खुदा ताला की पकड़ में लाने वाला ना बना दे। और अब तो पाकिस्तान में बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से भी बाज जगह ऐलान किया गया है कि ईद के 3 दिन कोई अहमदी किसी जानवर को ज़िबा नहीं कर सकता, चाहे कुर्बानी के लिए हो या किसी भी मकसद के लिए हो, क्योंकि इस तरह इस्लामी शायर की बेहरमती होती है, नऊज़ु बिल्लाह कुर्बानी अगर अहमदी करते हैं तो। ये कुर्बानी सिर्फ इन नाम निहाद मुसलमान उलमा का हक है, सिर्फ उन लोगों का हक है जिन पर ये उलमा मुसलमान होने की मोहर सब्त करें। इन लोगों के लिए उस मोहर की कोई हकीकत नहीं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्स को मुसलमान बनाने और कहने की मोहर है। बहरहाल जब ऐसे हालात अपने इंतहा को पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला की लाठी भी चलती है और फिर वो हर एक से, चाहे वो बड़ा आलिम है नाम नियाद आलिम या सबसे बड़ा लीडर है या बहुत कोई बहुत अफसर है, जो भी जुल्म तअद्दी में बढ़ता है उसे पीस कर रख देती है, उसे कला कमा कर देती है। हम अहमदी तो कुर्बानी करने वाले हैं, इन ईदों और अपनी तारीख से हमने कुर्बानियों के सबक सीखे हैं और जान माल वक्त और इज़्ज़त को कुर्बान करने के हमने अहद भी किए हैं, लेकिन बाज़ कमज़ोर तबा भी होते हैं, उन अहमदियों से भी मैं कहता हूँ कि सब्र और दुआओं से काम लें। यकीनन ये दुआएं एक दिन फल लाएंगी इंशाल्लाह।